अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत मेहरबान और बहुत नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज जुमे का दिन है, 29 तारीख है, 29 जनवरी 2021 है। बहुत ही खूबसूरत दिन है जुमे का, बाबरकत दिन है। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमारी मौत भी ईमान पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फितने इस दुनिया में, इस रोए ज़मीन पर आ चुके हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से साबित होते हैं, और बहुत ही उनसे हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले तो आपने जो जो गंदगी है जो मोबाइल के ऊपर आती है, जो इंसान के अंदर दो किस्म के नफ्स होते हैं, जब आपके दिल के अंदर पकीज़ा सोच आए तो समझ लीजिए वो रब की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, और अगर आपके अंदर गुनाह करने की सोच आए तो वो शैतान खन्नास शैतान खबीस की तरफ से वो सोच होती है। तो अपने आप को बचाने के लिए शैतान का साथ बिल्कुल नहीं देना, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारी ही फतह होगी। कद अफलाहुल मोमिनून, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है कि कद अफलाहुल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिन जिन्होंने अपनी नमाज के अंदर खुशू कायम किया। तो इसे हम आप सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जितने भी फितने इस दुनिया में आ चुके हैं, उन सब से ख़ुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते कर लीजिए, तो अगर नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है। आपने आपको दुआ देता हूँ और मुझे, मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने कि अल्लाह मुझे भी ईमान वाली मौत, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।